हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम राज कॉमिक्स में ही एक शक्तिमान का कॉमिक विशेषांक पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत बल्कि कॉमिक्स ने टीवी सीरियल से हुई थी। राज कॉमिक्स ने प्रयास किया है कि शक्तिमान को कॉमिक के रूप में प्रस्तुत करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत के साथ ही हुई यह घोषणा कि कलयुग में जब पाप, अनाचार और अन्याय अपनी पराकाष्ठा पर होगा, तो धरती पर एक बार फिर ईश्वर का अवतार होगा। आज लगभग 6,000 साल हो गए कलयुग को शुरू हुए, लेकिन धरती पर ईश्वर ने अवतार लिया हो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। शायद ईश्वर की दृष्टि में अभी पाप अपनी पराकाष्ठा पर पार नहीं है, अनाचार और अन्याय ने अभी अपनी सीमा पार नहीं की है। पाप और अनाचार के ऐसे माहौल में एक मनुष्य ने पाप को मिटाने के लिए, अत्याचार और अन्याय से लड़ने के लिए ईश्वर की प्रतीक्षा करना उचित ना समझा। उसने अपने ज्ञान, लग्न और तपस्या के बल पर अपनी कुंडलिनी को जागृत करके अपनी अग्नि के समर्पित कर दिया और फिर पंच तत्वों में विभाजित होकर अग्नि, भूमि, जल, वायु, आकाश से विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त की और बन गया शक्तिमान। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा का जीता जागता उदाहरण, मानवता की मिटती हुई आशा का रक्षक, मानव और मानवता की रक्षा करना जिसका धर्म है, सत्य की रोशनी की उपासना जिसका कर्तव्य है। लेकिन पृथ्वी पर जहाँ पुण्य की रोशनी को सदा प्रज्वलित रखने वाला शक्तिमान जैसे इंसान है, तो पाप का अंधकार फैलाने वाले तमराज किल्विज जैसे शैतान भी आतंक से शक्तिमान नाम के अच्छाई के उस रहनुमा का अंत कर दो और चारों ओर अंधेरा का साम्राज्य कायम कर दो। अपने स्वामी के आदेश पर शहर के मेयर जे जे, उसके सेक्रेटरी माथुर और एक महिला मित्र नताशा के शरीर पर कब्जा किए शैतान का केदार, गिरगिट और चुड़ैल माया ने पहले विभिन्न तरीके से शक्तिमान की शक्तियों को परखा और फिर जुटाया उसकी मौत का सामान। यह काकोदार का एक ऐसा घातक विष है कि अगर एक पेड़ पर फूंक दिया जाए तो सारा जंगल जहरीला हो जाए, और अगर समुद्र में फूंक दिया जाए तो समुद्र का सारा पानी जहर बन जाए। इस जहर का एक अंश सैकड़ों जिंदगियों के दिलों को धड़कने से बंद कर सकता है। एक बार यह जहर शक्तिमान के शरीर में पहुंच जाए, फिर शक्तिमान हरगिज नहीं बच सकता। जे जे उर्फ काकोदार ने उस अत्यंत घातक विष को शक्तिमान के शरीर में पहुंचाने का काम अपने साथी माथुर उर्फ गिरगिट को सौंपा, और माथुर ने उस काम को बखूबी अंजाम दिया। उसने जहर को उस केक में मिला दिया जिससे शक्तिमान फैन क्लब के बच्चों ने खास तौर से शक्तिमान के लिए बनाया था। लेकिन केक में जहर मिलाते उस शैतान को क्या मालूम था कि उस जहरीले केक को शक्तिमान के साथ मासूम और बेगुनाह बच्चों को भी खाना था। और जैसे ही वह जहर बच्चों के शरीर में पहुंचा, वैसे ही काकोदार के जहर ने अपना भीषण असर दिखाना शुरू कर दिया और कई मासूमों और निर्दोषों की जिंदगियां मौत के रास्ते पर चल पड़ी। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह केस फूड पॉइजनिंग का केस नहीं है। इन्हें जहर दिया गया है और हमें अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये कौन सा जहर है, इसलिए इन्हें अभी कोई भी एंटीडोट नहीं दी गई है। डॉक्टरों की निराशा बातें बता रही थी कि मौत के उस रास्ते पर कई बच्चों की जिंदगियों का खोना निश्चित था, लेकिन शक्तिमान के चेहरे पर मौजूद दंता बता रही थी कि उसके होते एक भी बच्चा मौत को नहीं निगल सकती थी। मैं सभी बच्चों के शरीर से जहर निकाल कर उसे अपने अंदर ले लूँगा। मासूम जानों को हर हाल में बचाने के अपने जज्बे, अपनी योग्य शक्ति और जागृत कुंडलिनी के बल पर शक्तिमान ने बच्चों के शरीर से जहर खींचने का चमत्कार अंजाम दे दिया और पचा लिया शैतान काकोदार के जहर को अपने शरीर में। शक्तिमान ने बच्चों को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया, लेकिन उस माँ की चीख बता रही थी कि बच्चों पर आई उस मुसीबत का जिम्मेदार और कोई नहीं, शक्तिमान ही था। मेरे मासूम बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी थी? जिसकी भी दुश्मनी थी तुझसे थी शक्तिमान। अगर मेरी बेटी और दूसरे बच्चों को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार तू होगा, क्योंकि अगर तू ना होता तो वह घातक जहर बच्चों के शरीर में ना पहुँचता।
बड़ा शक्तिमान बना फिरता है, तू क्या दे सकता है इन मासूमों को नया जीवन जो तेरी वजह से मौत के कगार पर खड़े हैं। अपने बच्चे के लिए तड़पती एक माँ उन शब्दों ने शक्तिमान के सामने एक कड़वे सत्य को खड़ा करके उसके संपूर्ण अस्तित्व को झोड़ दिया था। वह ठीक कह रही थी, सचमुच मेरी वजह से इतनी सारी मासूम जानों पर बन आई। वह जहर मेरे लिए ही था, मेरी वजह से ही उन बच्चों को जहर का शिकार बनना पड़ा। मगर वह कौन था जिसने मेरे लिए केक में जहर मिलाया होगा? अब तक आपने जो कथानाक पढ़ा वह सारा पूर्व प्रकाशित कॉमिक का सारांश था। इस कथानाक को विस्तार से जानने और शक्तिमान धारावाहिक के पिछली कड़ियों को भरपूर आनंद उठाने के लिए राज कॉमिक्स में प्रकाशित शक्तिमान और काकोदार का कहर पढ़ना पड़ेगा। शक्तिमान काकोदार के जहर से तो बच गया, लेकिन हमें अपनी कुछ कमजोरियां बता गया। हमने उसकी रफ्तार जान ली, उसका उद्देश्य जान लिया, और यह भी जान लिया कि लोगों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। ना उस पर सूर्य की तेज किरणों का असर करती है, ना समुद्री तूफान और ना ही कोई बम ब्लास्ट। जे जे को पहली बार मुकाबले का दुश्मन मिला है, अब मुझे उससे निपटने के लिए कुछ नए इंतजाम करने होंगे, तभी हो सकेगी बराबर की टक्कर। अरे, अचानक बोलते बोलते जे जे बुरी तरह चौंका, और उसके चौंकने का कारण था वहाँ दाखिल हुआ तूफान जो पल भर में ही बन गया था शक्तिमान। हाँ जय कुमार जनार्दन और जे जे, मैं आ गया हूँ तुम्हें यह बताने की बराबरी की टक्कर आमने सामने हुआ करती है, पीठ पीछे नहीं। बहुत गुमनाम था ना तुम्हें अपना जहर पर, गुमान था ना तुम्हें अपने जहर पर, उसे मैंने अपने अंदर ले लिया। जानना चाहते हो क्या हुआ उस जहर का? अंधेरे के तीन पुजारियों के सामने ही आगे बड़ा शक्तिमान और काकोदार के जहर को अपने मुंह से उस सूखे पौधे पर उगाल दिया शक्तिमान ने। लेकिन सत्य के उस पुजारी के अंदर से बाहर निकला वो जहर अब जाकर कहाँ रह गया था? अमृत बन गया था वो तो। इस चमत्कार को अचंभित देखते उन तीनों शैतानों के कानों से एक बार फिर कोड़ों के भांति टकराई शक्तिमान की आवाज़। तुम मेरा इम्तिहान ले रहे थे ना जे जे, जानना चाहते हो?